तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यार कि भारत में मल्चर आखिर फेल क्यों हो रहा है, जानेंगे क्या है वजह और बात साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रोटावेटर और मल्चर किस तरह से है अलग, रोटावेटर से मल्चर का काम कैसे है अलग, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रोटावेटर और जेरोवेटर में क्या है अंतर, क्योंकि बहुत सारे यार किसानों का मेरे पास कमेंट आता है कि भैया रोटावेटर और जेरोवेटर में क्या अंतर होता है, खास क्या अंतर होता है, कैसे पहचाने कि ये रोटावेटर है, कैसे पहचाने कि ये जेरोवेटर है। तो आज मैं आपको वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है SK और आप देख रहे हैं एग्रीटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि यार आखिर भारत में मल्चर फेल होने की वजह क्या है। दोस्तों भारत में मल्चर फेल होने की बहुत बड़ी वजह तो नहीं है, क्योंकि यार बात करेंगे मल्चर फेल होने की वजह सबसे पहली ये है कि अब मार्केट में मल्चर जैसे दूसरे भी यंत्र आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि मल्चर के अब सब्स्टिट्यूट यंत्र आ गए हैं। सब्स्टिट्यूट यंत्र में जैसे बात करें सुपर सीडर की, उसके बाद बात करते हैं हैप्पी सीडर की। सुपर सीडर और हैप्पी सीडर ऐसे यंत्र हैं जैसे आपको कंबाइन से आपने कटाई करवा ली, मड़ाई करवा ली, फिर उसके बाद खेत में जो आपके अवशेष बचे हुए हैं, पहले क्या होता था, पहले लोग उसको जो है डीजल डाल के या फिर कैसे भी उसको जला देते थे, जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्कीम चलाई इंसीटू, फसल अवशेष प्रबंधन योजना, उसको इंसीटू शॉर्ट में कहते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि अगर आप 3 यंत्र लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको 80% अनुदान देती है, और अगर 1 यंत्र लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको 50% अनुदान देती है। गवर्नमेंट के छूट देने की वजह यही थी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग जो ये फसल के अवशेष जला रहे हैं उसको ना जलाएं, क्योंकि उससे होता है प्रदूषण बहुत ज़्यादा। तो आप इसके बारे में तो बहुत बड़ी डिबेट चलती थी, ये आप तो जानते ही होंगे, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि सब्स्टिट्यूट यंत्र कौन कौन से आ गए हैं। सब्स्टिट्यूट यंत्र में जैसे आप सबसे बड़ी बात है सुपर सीडर। सुपर सीडर के बारे में अगर बात किया जाए तो सुपर सीडर एक ऐसा यंत्र है जो फसल को अवशेष जो आपका बचा रहेगा वो उसको काटेगा भी, जोतेगा भी और बोएगा भी। इससे क्या फ़ायदा हो गया आपको कि जैसे आपने हार्वेस्टर से कटवा लिया उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप मल्चर चलवाएंगे या फिर रिवर्सिबल MB प्लाउ चलवाते हैं, तो उससे रिवर्सिबल MB प्लाउ चलना फिर मल्चर चलना, तो फिर उससे फसल की कॉस्ट बढ़ती जाती है, और फसल की कॉस्ट बढ़ती जाती है लेकिन फसल भाई बिक्री उसी रेट पे होना है, तो आपकी जो मार्जिन है, मार्जिन नफा जिसको कहते हैं, वो कम हो जाएगी। तो आप किसान धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, सुपर सीडर चलवा रहे हैं, हैप्पी सीडर चलवा रहे हैं। उनसे उसको ये फ़ायदा हो रहा है कि आप जैसे हार्वेस्टर काट दिया उसके बाद डायरेक्टली उसमें बुआई कर पा रहे हैं, खेत को भरने की झंझट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी वजह हैं जो मल्चर धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि आप जैसे मल्चर, मैं शक्तिमान का डीलर खुद रहा हूँ तो मुझे ये मालूम है, जैसे 6 फुट मल्चर की बात अगर किया जाए तो 6 फुट मल्चर शक्तिमान का आता है 1,75,000 के आसपास, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है अदर स्टेट की वजह से। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मेरे यहाँ 1,75,000 के रेंज में आता है। अब बात करें अगर हैप्पी सीडर की, तो हैप्पी सीडर आता है 1,50,000 से 1,55,000 के रेंज में। अगर बात करें सुपर सीडर की, तो सुपर सीडर आता है 1,90,000 से 2 लाख के बीच में। तो यार दोस्तों गवर्नमेंट तो अनुदान उतना ही दे रही है, 50% या फिर 80%। तो आदमी 10-5 हज़ार के इधर उधर करने के लिए ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उस 10-5 हज़ार अगर बचाने के चक्कर में वो पड़ जाएगा तो उसके फसल की लागत जो है आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका मार्जिन कम हो जाएगा। तो किसान अब धीरे धीरे भाई, आज के किसान जागरूक हो गए हैं, तो जागरूक किसान तो जानते ही हैं कि नफा वाला काम ज़्यादा करता है। चलिए बात करते हैं कि रोटावेटर और हैप्पी सीडर में, सॉरी रोटावेटर और मल्चर में क्या अंतर है। यार दोस्तों रोटावेटर दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ कहने का मतलब मेरे ये है कि रोटावेटर एक जुताई का यंत्र है। जैसे अगर आपका फसल का अवशेष कटा हुआ है या पड़ा हुआ है खेत में, तो वो जुताई कर देगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मल्चर ऐसा नहीं करता है। मल्चर में लगे होते हैं वाई टाइप के ब्लेड, ये ज़मीन को छूते नहीं है। ये सिर्फ जो है फसल के अवशेष को, मान के चलिए कि 2 mm 3 mm ऊपर से काट देते हैं। काट के उसके बाद उसकी एक मोटी परत बना देते हैं, क्योंकि मल्चर में पीछे लगा होता है बेलन। बेलन का काम ये होता है कि वो जो आपका अवशेष कट रहा है उसको वो दबाता जाएगा। इससे एक दिक्कत और भी होती है दोस्तों कि आप बाद में जब रोटावेटर चलाएंगे तो रोटावेटर वो बढ़िया से चलेगा नहीं, क्योंकि भाई 4 इंच का तो आपको पहले से अवशेष का परत है, तो वो अवशेष जो है भाई रोटावेटर सही से चलने नहीं देता है। तो ये सारे कारण हैं जो मल्चर धीरे धीरे फेल होता जा रहा है, और ये मैंने आपको बताया कि रोटावेटर और मल्चर में क्या अंतर है। अब आइए बात करते हैं कि यार मल्चर और
भाई ये बात करते हैं यार कि रोटावेटर और जेरोवेटर में क्या अंतर है। दोस्तों रोटावेटर और जेरोवेटर के बारे में यार मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यार रोटावेटर क्या होता है, जेरोवेटर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि यार रोटावेटर और जेरोवेटर देख के कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि रोटावेटर भी देखने में आजकल वो स्मार्ट सीरीज टाइप का गया है जिसमें ऊपर प्लेट लगा होता है, और जेरोवेटर भी ठीक वैसे ही आता है। अगर आप इस तरह से पहचान करते हो कि रोटावेटर में पट्टी लगी होती है, पट्टी, और जेरोवेटर में लगा होता है प्लेट, तो ये आप गलत पहचान कर रहे हैं, क्योंकि शक्तिमान के रोटावेटर तो भाई सारे वैसे ही आते हैं। अब मेन अंतर ये है यार दोस्तों कि रोटावेटर जो होता है वो ब्लेड उसमें कम होती है, ब्लेड कम होती है और चौड़ी ब्लेड होती है। चौड़ी कहने का मतलब मेरे ये है कि 3.5 इंच के आसपास उसकी चौड़ाई होती है, और जेरोवेटर में ब्लेड ज़्यादा होती है, उसकी चौड़ाई होती है लगभग 3 इंच या फिर 3 इंच से थोड़ा कम ही होती है। और सबसे बड़ा जो अंतर होता है रोटावेटर और जेरोवेटर में, रोटावेटर होता है थोड़ा वजन जेरोवेटर के अपेक्षा, जेरोवेटर आपको मिलेगा रोटावेटर से थोड़ा हल्का। और बात करें लोड की, तो लोड रोटावेटर आपके ट्रैक्टर पे ज़्यादा डालेगा, जेरोवेटर लोड आपके ट्रैक्टर पे कम डालेगा। तो ये सारे हैं अंतर रोटावेटर और जेरोवेटर में। और अब आप उम्मीद है कि जेरोवेटर और रोटावेटर पहचान पाएंगे कि जेरोवेटर क्या होता है, रोटावेटर क्या होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए, मैं शक्तिमान कंपनी की बात करता हूँ या फिर सोनालिका कंपनी की ही बात करता हूँ। अगर 6 फिट का रोटावेटर है तो 6 फिट के रोटावेटर में आपको मिलेगा 42 ब्लेड, लेकिन अगर आप जेरोवेटर लेते हैं तो जेरोवेटर में आपको मिलेगा 54 यानी 54 ब्लेड। ये हो गया अंतर, क्योंकि 42 ब्लेड रोटावेटर में हो गया, 54 ब्लेड इसमें हो गया, तो भाई इतना तो फर्क हो गया कि 8 ब्लेड इससे ज़्यादा हो गई। सबसे बड़ा फर्क एक और होता है जो आप नोटिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा। रूटर जो होता है जिसमें ब्लेड लगी होती है वो रोटावेटर में होती है मोटी पाइप, लगभग होती है मेरे ख्याल से 3 इंच के आसपास, लेकिन जेरोवेटर जब आप देखेंगे तो जेरोवेटर में आपको मिलेगा 2.5 इंच के आसपास, यानी पतली पाइप मिलेगी। सबसे बड़ा अंतर ये होता है। अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेरोवेटर है कि रोटावेटर है। तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।